Ram Narayan Ram, Ram Narayan Ram, Ram Narayan Ram. पालकी ढोने वाले हैया हो बोलते रहते हैं। इस ध्वनि के ताल और स्वर के साथ वो अपना भारी बोझ ढोते हैं। इस शब्द के छंद से उनका श्रम कुछ हल्का होता है। इस प्रकार देखें तो ये अर्थविहीन ध्वनि कितनी शक्तिशाली है। इसके उच्चारण से सबका श्रम हल्का हो जाता है। प्रकृति में ऐसे लाखों शक्ति संपन्न शब्द हैं जो प्रकृति के अर्थबोध से भी अर्थपूर्ण हैं, लेकिन साधारण तौर पर उनका कोई अर्थ नहीं मिलता। प्रकृति की इसी ध्वनि का आश्रय लेकर मैं अपनी सारी स्वर साधना करता हूं। यही प्राकृतिक ध्वनि मेरी ध्वनि है। तलाश करने पर इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, लेकिन प्रकृति की सारी अमूल्य संपदा इसी के अंदर है। जैसे शिशु केवल एक उआ ध्वनि से अपने सारे काम चला लेता है, उसी तरह प्रकृति की केवल एक ध्वनि से जन्म से मृत्यु तक के सारे कार्य किए जा सकते हैं। मैं बचपन से ही इसका अभ्यास करता आ रहा हूं। मैंने विश्व प्रकृति के छंद के साथ, इसकी लय के साथ अपने को ढाल लिया है। आज समाज को भी उसी स्वर में सजाने की कोशिश कर रहा हूं। आज चारों ओर जो धर्म प्रचलित हैं, यहां के अधिकांश लोग जिस धर्म का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो धर्म समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अभाव, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो धर्म समाज की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे धर्म पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं जिस धर्म पर विश्वास रखता हूं वो है प्रकृति का धर्म। यही धर्म सबकी रक्षा करेगा, हर कोई समान अधिकार सहित पृथ्वी पर रह सकेगा, कोई वंचित नहीं होगा, कोई सुख सुविधाओं पर एक छत्र अधिकार नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा, कोई अपना आधिपत्य कायम कर दूसरे को दबा नहीं पाएगा। मेरा आदिवेद वो है जो समाज को दानव के चंगुल से छुड़ाएगा, शोषण से मुक्त करेगा, शिक्षा दीक्षा आचार व्यवहार में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। मैं नहीं जानना चाहता कि यहां के धर्म ग्रंथों में क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाव भंगिमा, पूजा अनुष्ठान, मंत्र तंत्र, योग यज्ञ को मैंने जितना समझा है, उससे मैंने यही जाना है कि उनके देवता भी असुरों का दमन करते रहे हैं। दुष्टों के दमन के लिए, शिष्टों के पालन के लिए शासन पर अधिकार किया है, अस्त्र धारण किया है। इसलिए मैं बचपन से ही इस प्रकृति के वेद को साथ लेकर आगे बढ़ा हूं। जिन्होंने
वेद ग्रंथों की व्याख्या की है, वर्णन किया है, वो ऐसा किस प्रकार किया है? मेरे पास ये सोचने का समय नहीं है। मैं प्रकृति के धारा प्रवाह से धारा लेकर समाज को उसी के अनुसार चलाना चाहता हूं। मेरी यही इच्छा है कि समाज प्रकृति की धारा के अनुसार परिचालित हो। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं महाकाश की वाणी, महाकाश के स्वर को सबके पास पहुंचाना चाहता हूं। मैं सबसे अपनी भाषा में बात करता हूं। मेरी बातों में इस दुनिया का कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं है। मेरी वाणी, मेरी ध्वनि, मेरी विचारधारा, मेरा जो कुछ भी है, सब कुछ प्रकृति से लिया हुआ है। प्रकृति की धारा ही मेरे अनादि वेद की धारा है। मैंने अपनी सत्ता को प्रकृति की सत्ता में विलीन कर दिया है। कई बार परिचय के लिए बहुत कुछ कहना होता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि बचपन से ही मैं खदान का कर्मचारी हूं। खदान से मणि निकालकर मैं सब में वितरित करता हूं। जो अमूल्य संपदा में महाकाश से ग्रहण करता हूं, उसे ही समाज के कल्याण में लगाने का प्रयास करता हूं। मैं खरा सोना दे रहा हूं, तुम आभूषण बना लो। मैं कोई अवतार, महान या भगवान बनने नहीं आया हूं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं एक कर्मचारी हूं और एक साधारण कर्मचारी के रूप में ही अपना परिचय देने में गर्व का अनुभव करता हूं। अनादि वेद के स्वर एवं आह्वान को कैसे समझा जाए, उस अनादि वेद के बारे में कैसे जाना जाए, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रकृति का वेद ही मेरा वेद है, मेरा अनादि वेद है। मैं जिस अनादि वेद की बात करता हूं, वो वेद चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगा। आदि जल, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसका ना आरंभ है ना ही अंत है, जिसका अस्तित्व सर्वदा विद्यमान है, उसे ही अनादि कहते हैं। व्यवहारिक रूप से हमारी विचारधारा के अनुसार इसे आदि वेद कहने पर भी वास्तविकता में ये अनादि का ही आदि है। इसमें अनादि अनंत का ही स्वर प्रवाहित है। यहां का वेद भी अनादि वेद के बाहर नहीं है। विभिन्न स्थितियों पर निर्भर रहकर इस वेद की रचना की गई है, इसके भाव, इसकी व्याख्याएं की गई हैं। लेकिन इसे किसने अपने हाथ से लिखा है, इसका रचयिता कौन है, इसका पता तो नहीं है। सही ढंग से ज्ञात ना होने पर भी ये तो सत्य है कि इसे किसी एक या अनेक व्यक्तियों ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। वेद की सृष्टि वही होती है जहां कोई भेदाभेद, कोई द्वंद नहीं होता। अभेद का स्वर ही वेद का स्वर है। प्रकृति के स्वर का गणित लगाकर ही इन बातों की जानकारी दी गई है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम।
राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम, भजे राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम, भजे राम नारायण राम नारायण राम नारायण प्रत्येक विषय वस्तु के मार्मिक अर्थ को बताया गया है। मन को सुंदर बनाना, समाज को अनुशासन में रखना आदि। समाज गठन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उस कार्य में सहायता एवं सहयोगिता के लिए जितना करना आवश्यक है, वेद में सब कुछ उसी तरह एवं उतना ही करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसे विकृत करने वालों ने वेद को विकृत एवं इसकी अपव्याख्या द्वारा समाज को विभ्रांत करने की कोशिश की है। अनादि वेद का प्रत्येक विवरण अनादि का ही विवरण है। इस विवरण को किसी कैमरे में कैद कर नहीं रखा गया है। ये सृष्टि तत्व में ही व्याप्त है। आज बातचीत के लिए जिन विभिन्न शब्दों एवं भाषाओं का प्रयोग होता है, उस समय तो इनका अस्तित्व नहीं था। उस समय सृष्ट वस्तुएं ही शब्द भंडार से परिपूर्ण थी। इन्हीं के माध्यम से हर बात समझी जाती थी, प्रकाशित होती थी। आवाज की इसी संपदा से क्रमशः भाषाएं बनी। अतः कहा जा सकता है कि सृष्ट वस्तुओं से ही भाषा जन्मी एवं धीरे धीरे लिपिबद्ध होकर वही ग्रंथकार में प्रकाशित हुई। सृष्टि ही वेद ग्रंथ है। अतः यह समझा जा सकता है कि यहां के वेद ग्रंथ में भी मूलतः महाकाश की ही वार्ता ध्वनित हुई है, क्योंकि हर भाषा की उत्पत्ति महाकाश एवं महाकाश में सृष्ट विषय वस्तुओं से ही हुई है। सृष्टि तत्व में कोई कल्पना मार्ग पर बिंदु मात्र भी विचरण ना कर सके, इसके लिए सृष्ट वस्तुएं पग पग पर हर स्तर पर हमें सचेत करती रहती हैं। हम प्रकृति के ग्रंथ के रहस्य को समझ सकें, इसके लिए सृष्टा की ओर से अनेक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सृष्टि की विषय वस्तुओं में कोई भेदाभेद नहीं है। आपसी संपर्क को बनाए रखकर वो सभी अपने मार्ग पर अग्रसर हैं। उन सब की जाति एक ही है। जीव जगत के प्रत्येक उद्भिद, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब में सहयोग की भावना इस प्रकार ओतप्रोत रूप से जुड़ी हुई है, मानो वो एक कुटुंब में एक ही छत के नीचे रह रहे हों। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र,
सभी एक स्वर में कार्यमग्न हैं। इसमें तो कोई भेदाभेद नहीं है। भेदाभेद ना होना ही तो वेद है। सृष्टि तत्व में प्रकृति के वेद ग्रंथ में न्याय, निष्ठा, कर्तव्य, सत्यपरायणता, परस्पर सहयोग, प्रेम आदि पर विशेष बल दिया गया है। सृष्टि के प्रभाव पर गंभीरता से विचार करने पर ये बात हम समझ जाएंगे। यहां सभी कर्म की साधना में मग्न हैं। कर्मचारी या कार्य करने वाला होने पर वो गर्व अनुभव करते हैं। कर्म ही प्रकृति के ग्रंथ का मूल विषय है। कर्म को ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जानते हो सबसे आश्चर्य की बात क्या है? जीव जगत के समस्त जीव, समस्त उद्भिद, लताएं, पेड़ पौधे, सभी मानो महाकाश की ओर निहारते हुए मौन रूप से महाकाश का अनुसरण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जल, वायु की ओर से देखते हुए उनसे अनुप्राणित होकर वो अपना कार्य किए जा रहे हैं। वो नीरव कर्मी है। नीरव रहकर ही कर्म की साधना कर रहे हैं। तुम इस अनादि वेद की लिपि भला कहां पा सकोगे? ये कहानी किसी ग्रंथ के आकार में पृष्ठों पर लिपिबद्ध नहीं हुई। ये तो पल पल रंग बिरंगी रेखाओं के माध्यम से महाकाश के सीने पर अंकित हुई है। अतः इस अनादि वेद का इतिहास जानने के लिए नीरव साधना के गहरे स्तर में प्रवेश करना होगा। गोताखोर बनकर, महाकाश के महासमुद्र में गोता लगाकर, उसके ज्ञान भंडार में से रत्न लाने होंगे। प्रकृति की हर विषय वस्तु का विश्लेषण करना होगा। तभी तुम एकात्म होकर उसके मूल स्वर को खोज सकोगे, उसमें तन्मय हो जाओगे। स्वर लोक के अमृतमय स्पर्श से तुम भी स्वरमय हो जाओगे। यहां के पता नहीं कितने ग्रंथ महाकाश के गर्भ में लीन हो चुके हैं। कितने ही पृष्ठ विस्मृति की गहराई में खो चुके हैं। हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों के पृष्ठ धीरे धीरे विवर्ण एवं अपठनीय हो गए हैं। कभी कभी उनमें विभिन्न काल्पनिक बातें भी जुड़ती गई हैं, पर प्रकृति का ग्रंथ आज भी सजीव है। उसमें कोई मलिनता नहीं। अक्षर अक्षर में सर्वदार रंगों का समारोह जारी है। उसकी लेखनी, उसकी लिपि, उसके छंद हमेशा सचेतन और आनंद रस से भरपूर हैं। विकृति से परे अनुभव द्वारा समझा जा सकता है कि प्रकृति के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, सबके पास कहने को बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उनकी भाषा में कुछ है, पर उसे प्रकट नहीं कर पाते। मानो उनकी ये मूक अभिव्यक्ति सृष्टि के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। सृष्टि के माध्यम से ही सृष्टि के सारे रहस्यों के दरवाजे खुलते हैं। अनादि के इस आदि वेद में
प्रकृति के इस मूल्यवान ग्रंथ में हर वस्तु के अंदर अनुभव, दर्शन, सिद्धि, मुक्ति एवं निर्वाण की बात छिपी है। तुम लोगों ने भाषा सीखी है, इसीलिए अपने भावों को प्रकट कर पाते हो, लेकिन जो बोल नहीं सकते, क्या उन भाषाहीनों की भाषा प्रकाशित नहीं होगी? वो हमेशा से ही प्रकाशित होती आई है। इस जग में जो कुछ प्रकाशित है वही भाषा है। यहां के ग्रंथों में भला कितने शब्द हैं? प्रकृति के ग्रंथ में अगणित शब्द, अगणित विषय वस्तुएं, सृष्टि की अगणित धाराएं हैं। जरा सोचो, तुम कितने विशाल ग्रंथ के बीच में बैठे हुए हो, उसका पाठ कर रहे हो। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण।